ओहो, तो आगे फिर से तो कैसे मेरे प्यार, आई होप सो आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले, बिकॉज आज हम पहली बार प्ले करने वाले हैं पाल वर्ल्ड, जो कि एक पोकेमोन वैसा ही गेम है बट पोकेमोन गेम नहीं है। तो गाइस क्या होगा अगर अपन उस पाल वर्ल्ड की दुनिया में फंस जाए तो कैसा मजा आएगा। तो लेट्स गो गाइस, कम विद मी। लेट्स गो गाइस, फाइनली जो हमारा कैरेक्टर है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब देख लो इसके अंदर इसके डोले सोले बना सकते हैं, पेट वेट निकाल सकते हैं, पेट के साथ सिक्स पैक यार जचता नहीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसका मुंह भाई बिल्कुल चोमू लग रहा है, इससे बढ़िया तो भाई इसको कुत्ता हो। ब्लू आइज। तो सबसे पहले यहाँ पे कर रहा होता हूँ, एक सेकंड भाई इसकी आंखें देखो भाई, काली हो गई, बिल्कुल डरावना सा नहीं लग रहा। यहाँ पे इसके बाल गंजा, यही बढ़िया लग रहा है भाई। और ये मर्दाना बॉडी पे है, नहीं 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 भाई, लौंडियों जैसे बाल नहीं रखेगा अपन, बिल्कुल रखेगा हॉट, करती हॉट। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली अपन यहाँ पे भाई जादू बना दिया रे इसको, तो भाई जादू 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 भाई, इतना काला नहीं करना कि अपन अंधेरे में भी ना दिखे। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली अपन एंटर करते हो। भाई ये क्या था वो, भाई कुछ पोकेमोन मेरे को देख रहे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये डरे या मैं डरा भाई, इतनी तेज भाग रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, इसकी भैंस की टांग भाई। मैं यहाँ पे उठता हूँ और भाई यहाँ पे जो मेरी बोट है यहाँ पे टूट जाती है, और ये सामने कुछ तो है, द टावर है। एक सेकंड भाई, कोई सी टावर वावर को ढूंढना है क्या अपन को? भाई मैं चल के यहाँ जाता हूँ ये बड़ी सी गुफा के अंदर, और भाई ये गुफा काफी ज्यादा खतरनाक सी लग रही है, और ये पिरामिड टाइप का होता है, और अपन पहुंच जाता है विंड शिप हेल ऐसा ही करके। और भाई देखो पोकेमोन भाई सामने, वो देखो इतने सारे चिकन वाले भाई, उनका नाम मेरे को एक बार देखना पड़ेगा उनका नाम है क्या। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे कुछ ईगल टाइप का, और जो मेरा मैप है भाई बहुत छोटा सा मैप नहीं है, जो हमने पिछले वाले गेम प्ले खेला था भाई वो भी ठीक ऐसा ही था, बट पालवल था या नहीं वो नहीं पता, बट गाइस ये तो बिल्कुल रियल पालो भाई, ग्राफिक देखो नेक्स्ट लेवल भाई, अनलॉक द फास्ट ट्रैवल। तो फाइनली अपन ने पहला फास्ट ट्रैवल को अनलॉक कर लिया। अब यहाँ पे कोई तो बैठा है क्या, ये ऑनलाइन प्लेयर है क्या, एक सेकंड से बात करके देखते हैं। ए हेलो हेलो सर, सर वेयर आर यू फॉर्म? भाई शॉटगन ले रहा है, शॉटगन भाई यहाँ से, इससे बात किया ये कुछ नहीं था भाई, ये तो नल्ला था। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ वगैरह गिरी हुई है, तो गाइस इसके अंदर अपन घर वर सारे बनाने वाले हैं। सबसे पहले भाई मेरे को पोकेमोन पकड़ने, यार बहुत सारे पोकेमोन पकड़ने, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से पोकेमोन पकड़ूँ कौन से नहीं पकड़ूँ, बट यहाँ पे जो भी सबसे पहले अगर अपन को पोकेबॉल मिलता है ना तो पोकेमोन ही पकड़े। भाई सामने देखो पोकेमोन एक दो से भिड़के भी आएंगे, और भाई मेरी बॉडी देखो क्या चमक रही है। यहाँ पे फटाफट से है ना एक ये प्रीमिट वर्क बेंच को लगाते हैं ताकि हम काफी सारी चीजों को क्राफ्ट करें। भाई हैमर से ये बन गया या जो हमारा क्राफ्टिंग टेबल था बन के रेडी है। अब अपन को बनाना भाई वुडन क्लब बनाना है ताकि हम सारे के सारे पोकेमोन को इस छड़ी से ही मार दे। बट एक सेकंड यार, ओ भाई ये रे पोकेमोन, ट्राई भी कर लेते हैं। इनका नाम है भाई चिपकी, अरे इसकी फेवरेट है चिपकी नाम है इनका, चिपकी। एक गया भाई, एक गया भाई, ये देखो जैसे कि रियल पोकेमोन में नहीं होता उनकी आंखों के आगे ऐसे सर्कल सर्कल हो जाता है, सेम भाई बिल्कुल वैसे। और यहाँ पे मेरे को फाल्स पेयर मिला है, और यहाँ से भाई एक और भाई रेड बेरीज है, यहाँ पे रेड बेरीज को यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ। खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, काम करेगा तो ये सारी चीजें तो जरूरी है। यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं उठा लेता हूँ। और भाई ये देखो कितनी बड़ी भाई, नीचे कोई सा भाई पोकेमोन इसको पकड़ेंगे भाई। एक सेकंड मेरे पास एक स्पेयर था तो, बट कैसे ये भाग रहा है कितनी दूर तक भागा भाई, इसको पकड़ना है भाई, इसको पकड़ेंगे। एक सेकंड रुको यार, कहाँ तक जाओगे? और यहाँ पे भाई एक और है भाई, लेकिन मेरे को इसी को पकड़ना है। इसका नाम भाई क्या है, इसका नाम, एक सेकंड इसके थोड़ा सा पास जाएंगे, पकड़ने पे पता चलेगा। इसे ऐसे मेरे को है ना समझ में नहीं आ रहा क्या ये भाग रहे हैं, और मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा खतरनाक है मैं समझ में नहीं आ रहा। कटीवा नाम है क्या इसका, नाम कटीवा, CAWTIVA, हाँ कटीवा ही नाम है गाइस, इसका नाम कटीवा है। और भाई इसको मैंने लुढ़का दिया यार, मेरे को पकड़ना तो भाई सामने एक फॉल्स पेयर है, इसको पकड़ते हैं। और एक सेकंड, अब ये अब तो ये बिल्कुल इसकी आंखों के आगे ऐसा ऐसा आ गया तो अपन शायद इसको पकड़ सकता है। यहाँ पे एक और मिलता भाई, यहाँ पे पूरे को पूरे यहाँ पे कटीवा ही थे। एक सेकंड इसको पकड़ते हैं भाई, ये मेरे ऊपर, एक सेकंड, ओ ये पोकेबॉल गया क्यों नहीं भाई, वो मार रहा भाई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। लो गाइस एक फॉल्स पेयर मिला था, वो भी वेस्ट कर दिया मैंने, अब हाथ में कुछ नहीं है यार कुछ नहीं है, क्या पता एक दो और हो। ओ भाई स्क्रैच अटैक कर रहा है, इसकी भैंस की टांग, ए कट्टी वा, रुक जा। ओ भाई इसको भी लुढ़का दिया। लेट्स गो गाइस, फाइनली भाई मेरे पास फॉल्स पेयर खत्म हो गए, एक ही तो यहीं पे से मेरे को गिरा हुआ मिला था। और यहाँ पे भाई लैम्पल यार कैसा नाम है, एक सेकंड लैम्पल, ए भाई खतरनाक भाई, रोल आउट अटैक
वो भाई ये खुद ही कंफ्यूज होकर पीछे गिर गया भाई, इसको पकड़ सकते हैं हम क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक सेकंड भाई, ओ भाई रोल आउट अटैक भाई, इसने एक और ये पत्थर में अटक गया, पत्थर में भाई 99% है, इसको हम पकड़ सकते हैं। ओ भाई ए भाई इसने रोल आउट कर दिया यार, मेरा एक और पाल्स पेयर वेस्ट हो गया। एक सेकंड यार, ये भाई पूरी की पूरी सेना आ गई, सारे के सारे रोल आउट अटैक कर रहे हैं भाई। एक सेकंड रुको, इसको पकड़ेंगे भाई, अभी तो मजा सा आ रहा है मेरे को इसको प्ले करने में। ओ भाई एक सेकंड, ओ भाई पाल्स पेयर किधर है भाई, ए लैम्बल भाई यहाँ से मैं भागता हूँ भाई, मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम करती है ना रोल आउट अटैक मार मार के। और गाइस यहाँ पे मैं इस झरने के पास आता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लाइम कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे है ना नीचे मैंने एक कुछ तो देखा था, तो मतलब चमक रहा था, तो उसको मैं देखता हूँ नीचे आखिर है क्या चीज़। ये ऐसी कुछ तो खतरनाक था भाई, कुछ तो खतरनाक था, ये मेरे को मिल गया भाई, पता नहीं मेरे को दिखा नहीं, और मैंने सीधा ऐप दबा के कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे भाई मैं दोबारा से ऊपर चढ़ता हूँ भाई, ग्राफिक देखो कितने ज़्यादा खतरनाक हैवी भाई, 1300 रुपये का गेम है भाई, बिल्कुल 1300 रुपये लगे इस गेम को बाई करने के लिए। आप भी बाई कर सकते हैं स्टीम पे से भाई, आपकी क्या कहते हैं इस गेम को, बस कुछ नहीं नॉर्मल है, 1300 रुपये यार, बस पीसी में चलना भी चाहिए। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे मैं अपने लिए वुडन चेस्ट वगैरह बनाता हूँ, यहाँ पे भाई कैंप फायर भी, और भाई अपने लिए घर बनाएंगे। अब आ चुका है क्राफ्टिंग का टाइम, अपन अब क्राफ्ट करके अपने लिए घर बनाने वाला है भाई। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने बेस तो रेडी कर दिया, क्या ये भाई, ओ भाई इसमें ये खतरनाक है, अगर कुछ स्टोन वगैरह पड़े हैं ना उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। पहले तो मेरे को पोकेमोन पकड़ने थे, बट गाइस अपन अब घर बना रहा है, क्योंकि पोकेमोन पकड़ने के लिए सबसे पहले घर होना जरूरी है। उसको रखे कहाँ पे, क्या पता उसने मेरे घर के अंदर ही पोटी पार्टी कर दी भाई खतरनाक। एक सेकंड गाइस, अपने बेंच में आते हैं, प्रिमिटिव वर्क बेंच, पाल्सपेयर भाई, फाइनली अपन एक पाल्सपेयर को क्राफ्ट कर सकता है। अब जाएंगे इस पोकेमोन पकड़ने के लिए। एक सेकंड, ये रहा वो लैंपल ही पकड़ते हैं भाई, ये मेरे को मस्त लग रहा है, इसको अपन पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा डैमेज देके इसका एचपी वचपी कम करते हैं, बस ये अटैक ना करने लग जाए, एचपी अब ठीक ठाक हो चुकी है। अब गाइस पाल्सपेयर 93%, ओ भाई ये पाल्सपेयर हवा में घूम रहा है, अरे गया कहाँ भाई पाल्सपेयर, अरे इसकी भैंस की डंडा भाई पाल्सपेयर कहाँ। ओ भाई फाइनली लैम्पल पकड़ लिया भाई, लैम्पल ने एक पोकेमोन अपना, ओ भाई अब उसको ना निकाल के देंगे। एक सेकंड कहाँ से निकलेगा, एक सेकंड भाई इसको टपकाते हैं। अब पोकेमोन भाई इसको निपटाता हूँ फिर करता हूँ, अरे यार मैं पोकेमोन को भिड़ाता ना यार, मैं खुद क्यों यहाँ पे फाइट कर रहा है, अब तो मेरा पोकेमोन मारेगा ना, इसको कह दूंगा रोल आउट अटैक करने के लिए, मार बे इसको भाई, ये मार नहीं रहा भाई, वो पता नहीं क्यों मार है नहीं। फिर अपन वापस आ जाता है और यहाँ पे अपने लिए घर वगैरह बनाने लग जाता है। और यहाँ पे गाइस काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, और रात में भी अपन को वुडन वगैरह को इकट्ठे करने, आपको पता है ना वुड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर वर बनाना है, तो लेट्स गो। और यहाँ पे भाई सबसे पहले अपन को दरवाजे वरवाजे बनाने पड़ेंगे, और अपने लिए आर्मर भी बनाना पड़ेगा। अब तक भाई अपन झाड़ी पहन के घूम रहा है भाई, वो ठंड लगने लगी भाई, ठंड भाई कुछ तो स्क्रीन पे हो रहा है, और जिस हिसाब से ये हो रहा है मेरे को पता चल गया भाई ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड। अब यहाँ पे मेरे को बोन फायर वगैरह बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई कोई सा पोकेमोन पकड़ना पड़ेगा जो आग वाग जला दे। एक सेकंड, यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे कैंप फायर को क्राफ्ट करते हैं, अच्छा बन जा। लास्ट हो गाइस, फाइनली यहाँ पे जो अपन का बोन फायर था वो बन तो गया, अब अपन को ठंडी तो नहीं लग रही, ये तो है भाई ठंड का सल्यूशन हो चुका है बोन फायर से। अब यहाँ पे फटाफट से लकड़े वगैरह काटता हूँ, लेवल अप हो भाई, ये थोड़ा सा दूर आया यार बोन फायर, गर्मी देना कम कर दिया भाई। एक सेकंड रुको, अब मेरे को वापस से जाना भाई, आग के पास आते ही गर्मी आ जाती है, और जैसे आग से दूर, लो भाई दोबारा ठंड लगने लगी, ये क्या सिस्टम चल रहा है भाई, ये सिस्टम क्या चल रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, अपन को यहाँ पे अपने लिए घर वगैरह बनाना है, तो अपन ने एक वन फ्लोर का मतलब ग्राउंड फ्लोर का अपने लिए घर बना लिया, अब अपन को बनाना है सबसे पहले गाइस। एक सेकंड, यहाँ पे डोर को चिपकाते हैं, और डोर बन चुका है, अब यहाँ पे भाई अपने लिए बेड बनाना जरूरी है, क्योंकि बेड नहीं रहेगा तो अपन सोएगा कहाँ पे, तो बेड को सबसे पहले प्लेस करता हूँ। एक सेकंड रुको, ओ भाई बेड लग गया, अब इसको फटाफट से बिल्ड करते हैं। अरे हो थोड़ा किधर मारा भाई, बेड पीछे बन रहा है तेरे, वो भाई गद्दा भी लगा रहा भाई, खतरनाक भाई खतरनाक, बनने वाला बस अपन का बिल्ड होने वाला है। लास्ट होगा इस, फाइनली अपन का जो बेड है वो बन के रेडी, और बेड भी काफी गद्देदार है, सो के भी देख लेते हैं भाई। सिक्स पैक देखा आपने मेरे, बॉडी बॉडी गाइस बॉडी, ऐसी बॉडी रखनी चाहिए। लास्ट होगा इस, फाइनली सुबह हो चुका था, जो हमारा चिक्की था उसने कुकड़ू को भी बोल दिया, तो उठ गया था मैं, और उठने के बाद यहाँ पे अपने डोर में लगाते हैं लॉक, और लॉक भाई यहाँ पे अभी नहीं डाल रहा भाई, तुम लोग देखे क्या पता मेरे सर्वर में घुस जाओ और मेरे चिकपी को चोरी कर लो, फिलहाल के लिए एक ही पोकेमोन पकड़ा है, वो भी तुम खा ले जाओगे मेरे को बुरा लगेगा। और यहाँ पे गाइस एक ये चीज़ थी, इसको मैं फटाफट से क्राफ्ट करता हूँ, इसका नाम एक सेकंड, ये है क्या चीज़, एक सेकंड रुको, इसको मैंने बिल्ड करता था, और भाई इसके अंदर भाई लैम्पल यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, इसका नाम है पाल बॉक्स,
फाइल बॉक्स है, मतलब इसके अंदर पोकेमोन वगैरह जितने भी अपन पकड़ेंगे ना वो सारे शायद इसके अंदर शो करते रहेंगे और फिर हम कलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज है, आई थिंक यही है पाल स्टोर का मतलब, तो यही होता है पाल मतलब अपन के पोकेमोन और स्टोर मतलब अपन को स्टोर करना है। प्लस वो गाइस यहाँ पाल स्टोर पे ये मैनेजिंग का है, मेन्यू वगैरह है, तो यहाँ पे बता देगा। अरे बाहर आ तू बे, भाई मेरा लैंपल बाहर आ गया, अब वापिस आ भाई, ये करने में मजा आता भाई, यही तो रियल फील है, बाहर आ वापिस आ, बाहर आ वापिस आ। और यहाँ पे मेरे को है ना एक दो चेस्ट भी मिलती है, तो इन चेस्ट को भी कलेक्ट करता हूँ। ओहो भाई क्या मिला मेरे को यहाँ पे, ब्रेड मिला, गोल्ड कॉइन वगैरह मिला। ओ बाहर आवे, मैं तुझे चुनता हूँ, आए तुझे वापस बुलाता हूँ। यही करने मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक सेकंड, अरे भाई यहाँ पे ये देखो कितना मस्त सा लोकेशन, नहीं है ये भाई, ऐसा जगह अपना घर हो तो क्या जीसा आ जाएगा। और यहाँ पे भाई मैं क्राफ्टिंग टेबल को पीछे बना लेता हूँ, अपने लिए बनाते हैं भाई एक स्टोन पिकैक्स, और स्टोन पिकैक्स को क्राफ्ट करने के लिए। और भाई धीरे धीरे जैसे अपन प्ले करेंगे ना, तो जो अपन के पोकेमोन होंगे वो भी हेल्प करेंगे चीज़ों को क्राफ्ट करने के लिए, ये मेरे को काफ़ी तो पसंद आया भाई। अब यहाँ पे भाई देखो लेट्स गो गाइस, अपने लिए मैंने आर्मर वार्मर बना लिए ताकि कोई भी पोकेमोन आए तो उसका मुंह तोड़ सकूँ मैं सबसे पहले। यहाँ से भाई नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन अपन चढ़ जाता है यहाँ पे पाल्स पेयर के लिए। यहाँ पे है ना एक स्टोन होता है जिसके अंदर कुछ ब्लू टाइप का मेरे को मेटल मिलता है, जिससे अपन पाल बॉल्स बना सकते हैं, पाल्स पेयर कह सकते हो आप। इसको तोड़ते हैं, तो लेट्स गो गाइस फाइनली। अरे टूट जा बे, बहुत ज़्यादा दम लग रहा है इसको तोड़ने में। तो पाल फ्रैगमेंट, प्लेडियम फ्रैगमेंट भाई, ये प्लेडियम फ्रैगमेंट मिलता है इसके अंदर से अपन को। और यहाँ पे एक और चेस्ट मिल जाता है भाई, ब्लू ब्लू क्या चमक रहा भाई, लेट्स गो। ओहो भाई इसके अंदर से मेरे को एक पाल्स पेयर गोल्ड कॉइंस वगैरह मिले, ये मस्त भाई। चेस्ट वेस्ट ढूंढ के अपन को बॉल्स वगैरह मिल जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त नहीं है। अब गाइस यहाँ पे है ना सबसे पहले अपन यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, और भी भाई क्या प्लेडियम फ्रैगमेंट का यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टोन का वो था गट्ठर, इसको भी तोड़ते हैं। लेट्स गो गाइस इसको भी तोड़ने लग जाता हूँ, मेरे को प्लेडियम मिलने लगे यहाँ से। लेट्स गो यहाँ से प्लेडियम उठा लिया भाई अपन, अब पाल्स पेयर काफ़ी सारे बनाएंगे। और नेक्स्ट वाले एग्जांपल में पोकेमोन ही पोकेमोन पकड़ने वाला हूँ भाई, इतने सारे भर दूंगा भाई, शायद चिकपी क्यों ना हो सबको भर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक बेंच भी बनाया था अपने पोकेमोनों के लिए, सोचा भाई यहाँ पे। अरे बाहर भाग रहा है, ओह लैम्बल, अरे लैम्बल इधर वापिस आ। अरे यार मैंने अपना पोकेमोन पोकेबॉल फेंक दिया यार, मतलब पाल्स पेयर फेंक दिया यार, वेस्ट हो गया वो। अरे यहाँ पे अपने लिए अपने सबसे पहले घर वर बनाते हैं। लेट्स गो गाइस यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ। तो गाइस आज के लिए आई होप सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले में, फिलहाल के लिए गाइस इतना ही, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत है ना काम था और काफ़ी टाइम से मैं इस गेम प्ले को प्ले करने की सोच रहा था। तो आज के लिए नहीं, आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो 50 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करा देना।